जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकियों ने पुलिस चेक पोस्ट पर किया हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। SC ST एक्ट को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 7 साल से कम सजा के मामलों में आरोपी को गिरफ्तारी से पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। देश में बढ़ते हुए NPA के मुद्दे पर संसदीय समिति को दिए अपने जवाब में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कई बड़े खुलासे किए हैं। राजन ने कहा है कि उन्होंने कई हाई प्रोफाइल NPA डिफॉल्टर्स की लिस्ट PMO को दी थी, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाले DSU के चुनावों में आज डाले जाएंगे वोट, कल होगी वोटों की गिनती। BJP समर्थित AVBP और कांग्रेस समर्थित NSUI के बीच है कांटे की टक्कर। मामूली बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 43 अंक चढ़कर 37,456 के स्तर पर, तो वही निफ्टी 20 अंकों की तेजी के साथ 11,307 के स्तर पर कर रहे हैं कारोबार।